अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फूड विद इकरा। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की हमारी ज़बरदस्ती और बहुत अथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की। बहुत सारे इश्यूज होते हैं शामी कबाब बनाने में, कभी अच्छे बन गए तो कभी अच्छे नहीं बने, तो सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल 100% बहुत अच्छे और बहुत मज़े के रेशे वाले शामी कबाब बनेंगे। आपके ट्राई ज़रूर करना है एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटन शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने मटन ले लिया है यानी बकरे का गोश्त, जिसपे मैंने बोन्स भी यूज़ किए हैं ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए, ज़्यादा बोनलेस ही है। मटन, चिकन, बीफ आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन फैट मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लहसुन मैंने 2 बंच साबुत ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 20 से 25 यानी 20-25 बटन चिलीज ली हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात और लौंग है 6 से 7 और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं। उसके बाद यहाँ पे साबुत जाएगा धनिया 1 टेबल स्पून और ये है चिकन पाउडर, बाज़ार में यूज़ होता है चाइनीज़ सॉल्ट, बट हमें चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक का पेस्ट डालूंगी और 3 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा है, और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, सॉल्ट टू टेस्ट है। और दाल, चने की जो दाल है ये मैंने भिगो दी थी, 1 kg दाल है और 1 kg ही हमारे पास मटन है। तो जी जनाब, सबसे पहले मैं गोश्त को बॉईल करूंगी, और मैं क्यों बॉईल करूंगी ये मैं आपको बताती हूँ। शामी कबाब बनाने की बेस्ट टिप जो है वो यही है कि आपने गोश्त को पहले अच्छे तरीके से टेंडर करना है। अगर हम इसमें दाल भी ऐड कर देते हैं और गोश्त ज़्यादा एज के जानवर का है, तो अगर गोश्त नहीं टेंडर होता तो हमारे शामी कबाब बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, दाल बिल्कुल गल के जो है वो पतली हो जाएगी। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं सबसे पहले 10 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर कुक करूंगी, और इसमें दाल किस तरह से ऐड करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले गोश्त बॉयल कर तमाम इन्ग्रीडियंट्स डालने के बाद इसमें मैंने 8 से 9 ग्लास जो है वो पानी के ऐड किए हैं। तो जी जनाब, हो चुका है, पानी भी डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी, अब हमने इसको प्रेशर कुक करना है 10 मिनट के लिए, और इसके बाद हमने दाल किस तरह से ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलें प्रेशर कुक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम गोश्त को देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो पानी भी काफ़ी सारा है, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी उतना टेंडर नहीं हुआ, जब हम इसमें दाल डालेंगे तो और टेंडर हो जाएगा। दाल को मैंने स्ट्रेन कर लिया था, और इसी पानी में हम दाल भी ऐड कर देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर कुक करना है, और पानी आपको कम लगे तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा। दाल मैंने ऐड किया, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, मुझे पानी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर कुक करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है, गोश्त की तो क्या ही बात है, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, दाल भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे इसमें पानी है, नहीं बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको जूसी जूसी रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, उससे कबाब मज़े के बनते हैं, ड्राई कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जनाब मैंने कर लिया है, और इसमें मैंने हल्दी आपको डालना भूल गई थी, उसके लिए जनाब सॉरी, हल्दी मैंने इसमें ऐड की लेकिन आपको बताना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। अब फटाफट से अगर आपको उसको चॉप करना है आप चॉप करें, मैं इसको सिलबट्टे पे पीसती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मशक्कत वाला काम है ये, तो मैं इसको पीस के आपको उसकी लुक दिखाती हूँ, और फिर नेक्स्ट बताते हैं हम इसको क्या करना है। सिलबट्टे पे इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है जनाब धुलाई, बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट और रेशे वाला बना है, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं। अदरक मैंने चॉप कर लिया था 1 टीस्पून के करीब, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें मैंने काफ़ी सारी ले ली थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, अगर आपको उतनी इनफ़ हैं जितनी मसाले में डाली थी तो इनफ है। उसके बाद धनिया पुदीना मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून, और लेमन जूस लिया था 3 से 4 लेमन। तो इसमें सारी चीज़ें डालूंगी, अगर आपको नहीं पसंद है लाइक जिस तरह अदरक कुछ लोगों को मुँह में आता हुआ नहीं पसंद, हरी मिर्चें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें भी स्किप कर दें। तो ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स डालूंगी, लेमन डालने का मकसद ये है कि इसमें थोड़े सा फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके कबाब बनाएंगे, और फ्राई करने के लिए इसको मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। तो अब
जिस तरह की भी शेप वो कुछ होता है ना, दिल वाली शेप बना रहे होते हैं, लंबी शेप, बच्चों की फरमाइश पे हमें ये वाली शेप चाहिए, वो वाली शेप चाहिए कबाब की, तो अक्सर घरों में बनते हैं इस तरह। तो ये शामी कबाब मैंने बना लिए हैं, पतले हो, थोड़े से थिक हो, जिस तरह आपको चाहिए हो, तो ये मैंने बना लिए हैं। इसी तरह मैं बाकी तमाम भी सारे बना लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ और फिर टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि कैसे बने। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था, बड़ा मज़े का लग रहा था। फ्राई होने के बाद थोड़ा सा और टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको उसके अंदर अंडे ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो लुक और फ्लेवर ऊपर जो अंडा लगा के हम फ्राई करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने बना ली है, इसी तरह बाकी के सारे बनाती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। कबाब मैंने बना लिए हैं और अब बारी आ जाती है जनाब फ्राई करने की। 2 से 3 पिंच जो है मैंने सॉल्ट की और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। डिपेंड करता है आप पे कि आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है या एंड ऑल, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है, तो मैंने एग में भी जो है वो रेड चिली ऐड कर ली है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है और जनाब हम इसको डिप करते हैं और फ्राई करते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल डालते हैं फ्राइंग पैन में और फिर अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल जनाब हो चुका है हमारा गरम और अब जो है वो मैं इसको एग में डिप करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक टिप बता दूँ कि जब भी हम कबाब बनाते हैं, मुझे तो आपको बनाकर दिखाने थे तो इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ, लेकिन इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद जो है वो कबाब बनाएं, बिकॉज ये सॉफ्ट हुए होते हैं, थोड़ा सा फ्रिज में जब ठंडे होते हैं तो ड्राई हो जाते हैं, अच्छे फ्राई होते हैं। फाइनली जनाब हो रहे हैं कबाब फ्राई और अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। सो माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा शामी कबाब का प्लेटर है रेडी और इतनी गजबनाक खुशबुएं आ रही हैं ना कि क्या बताऊँ। आप लोगों ने सेम रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। अब पारी आ जाती है इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद इसको खाने की, यानी टेस्ट करने की। तबीयत मेरी कुछ वैसे ही अपसेट थी तो इसमें थोड़ा सा लेमन डाला हुआ है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी बट ज़रूर आपको टेस्ट करके बताऊँगी ताकि आपके मुँह में पानी आए और आप सेम रेसिपी से इसको ट्राई करें। सो जनाब अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की और ये देखे कितना ज़्यादा माशाल्लाह से सॉफ्ट लग रहा है और बहुत मज़े के बने थे। शामी कबाब वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट खाने वाले होते हैं, तो ये देखिए रेशे कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। तो अब जनाब इसको टेस्ट करते हैं, केचप में लगाते हैं, डिप करते हैं और इसको खाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको टेस्ट करते हैं और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को कीजिए शेयर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।